welcome back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. My first question is, किसने एथलीटों के लिए नादा ऐप लॉन्च किया है? किरण रिजिजू. किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए नादा ऐप लॉन्च किया है. किरण रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं. और इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है एथलीटों को खेल में प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी प्रदान करना, ये इस ऐप का उद्देश्य है. नाडा. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. और अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल. किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने. और ये हमारे देश के खेल मंत्री हैं. और इसका उद्देश्य क्या है? एथलीटों को खेल में प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी प्रदान करना. नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. और अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल. राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को. नेशनल डॉक्टर्स डे. डॉक्टर्स द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मानित करना और उनके द्वारा समर्पित सेवा के लिए
धन्यवाद करना, यही इस दिवस का उद्देश्य है। इस वर्ष की थीम है लेसन द मोर्टैलिटी ऑफ कोविड 19। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ये देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्मदिन जो कि 1 जुलाई को होता है, इनकी याद में भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर्स द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मानित करना और उनके द्वारा समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद करना। इस वर्ष की थीम है लेसन द मोर्टैलिटी ऑफ कोविड 19। और ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के अवसर पर भी दिवस मनाया जाता है, जो कि देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घरों में पढ़ाए जाने वाले बच्चों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करना, यह इस हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घरों में पढ़ाए जाने वाले छात्रों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन।
सबसे पहले पीसी महल नोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चक्रवर्ती रंगराजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफटाइम अचीवमेंट पीसी महल नोबिस नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो किससे पहले पीसी महल नोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चक्रवर्ती रंगराजन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले पीसी महल नोबिस नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान देने के लिए। शहर में COVID-19 के उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है? न्यू दिल्ली में। और इसे खोलने का उद्देश्य क्या है? COVID-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये प्लाज्मा बैंक खोला गया है। न्यू दिल्ली, ये कैपिटल है इंडिया की और इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल।
किस शहर में कोविड-19 के उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है? न्यू दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करना। नई दिल्ली, ये भारत की राजधानी है और इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल वर्कर डे। इसका उद्देश्य क्या है? डाक कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली सेवा को सम्मानित करना, यही नेशनल पोस्टल वर्कर डे का उद्देश्य है। इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल वर्कर डे। इसका उद्देश्य क्या है? डाक कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली सेवा को सम्मानित करना। इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? वियतनाम। तो वियतनाम में आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ाना, यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। और विषय था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। एशियन का मीन्स है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। हेड
क्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। और अध्यक्ष हैं की सिंग लूंग। किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? वियतनाम में। और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ावा देना। और विषय है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। एशियन का मीन्स है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं ची सिंग लूंग। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। भारतीय सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु के शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। सीएम है के पनाली स्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। भारतीय सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु के शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पनाली स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।